नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। आज प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में भारतगंज पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की गठन की गई, जिसमें नगर पंचायत भारतगंज के समाज सेवी और नगर पंचायत भारतगंज के तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं भारतगंज पुलिस चौकी पर मेजा सीओ थाना मांडा अध्यक्ष, भारतगंज पुलिस चौकी प्रभारी एवं तमाम पुलिस बल भी मौजूद रहे। जैसा कि गाइडलाइन जिस तरह से चल रहा है आप सभी लोग जानते होंगे, कई यूट्यूब चैनलों पे तमाम पेपरों में आप देख रहे हैं कि इस टाइम लाउड स्पीकर को लेकर मामला काफ़ी बना हुआ है, हर जगह देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में आज दिशा निर्देश जिस तरह से कोर्ट का दिया गया है लाउड स्पीकर उतारने का, हटाने का, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जिनके पास परमिशन है लाउड स्पीकर लगाने का, जितने का लाउड स्पीकर का उन्होंने परमिशन ले रखा है उस परमिशन के हिसाब से लाउड स्पीकर होना चाहिए। आवाज़ ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा न हो उसके लिए भी एक उसमें डिसेबल सेट करने के लिए बात की गई है, और डिसेबल के हिसाब से उनको आवाज़ भी रखना होगा। साथ में एक चीज़ और है कि अलविदा की नमाज, जो इस टाइम रमज़ान चल रहा है, इस रमज़ान में जो आखिरी जुमा जिसको कहते हैं, लास्ट रमज़ान का जो फ्राइडे पड़ता है उसको आखिरी जुमा नमाज पढ़ते हैं, ईद के लिए मनाई जाती है, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, ये बहुत बड़ी नमाज की माने रखती है मुस्लिम समुदाय के लिए। उसके हिसाब से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हमारे CM योगी आदित्य ने दिशा निर्देश देते हुए एक बात को रखा है कि कोई भी मस्जिद के बाहर यानी सार्वजनिक प्लेस पे नमाज नहीं अदा करेगा, लोग नमाज अपने मस्जिदों में अदा करेंगे, अपने मस्जिद के प्रांगणों में अदा करेंगे। उसको लेके आज नगर पंचायत भारतगंज के पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की गठन करके लोगों को इस बात को के लिए अवगत कराया गया, जानकारी दी गई। साथ में उनको कहा गया कि लाउड स्पीकर जिसके पास परमिशन है सिर्फ वहाँ पर वो लाउड स्पीकर लगे रहेंगे, अन्य जगहों पर जिसके पास परमिशन नहीं है वहाँ से उतारे जाएंगे। साथ में साथ आवाज़ के लिए भी कहा गया जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो अपनी उस आवाज़ की, लाउड स्पीकर की आवाज़ को, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा ना हो उसको कम कर ले, इस बात को कहा। वहाँ मौजूद नगर पंचायत भारतगंज के EO साहब भी थे, जिससे पानी के मुद्दे को लेकर लोगों ने उनसे कहा कि फ्राइडे के दिन ज़्यादा पानी का यूज़ जो होता है, जिस तरह से उनको सुबह चाहिए होता है, जो 12 बजे की जो नमाज होती है, जो जुमे की अलविदा की नमाज होती है, उसके लिए किसी तरह से कोई दिक्कतें ना हो, तो वहाँ मौजूद SDM साहब, वहाँ मौजूद CO साहब ने उच्च अधिकारियों से फ़ोन करके इस पे बात किया, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनसे बात करके उन लोग से को अवगत कराया। उसी टाइम वहाँ पर उपस्थित यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो बिजली विभाग से SHO गुड्डू या तो फिर जो भी और अन्य कर्मचारी मौजूद हैं, जो भी और अधिकारी उनके होते तो मौजूद थे, उनसे बात किया उन्होंने और उनसे इस बात की पुष्टि कराई, कही कि किसी भी किस्म की लाइट की जो समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल लाइट की समस्या इस टाइम हर जगह चल रहा है, जोरों पर चल रहा है और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज़ की चर्चा की, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि लाइट की समस्या काफ़ी ग्रामीणों में हो रही है और ये सुनने को मिल रहा है। फिलहाल हर एक तरह से बात रखते हुए खास तौर से इस बात पर जोर दिया है कि अलविदा की नमाज, जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए, मस्जिद के प्रांगण के अंदर होनी चाहिए, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी, यह सख्ती के साथ मना करने किया गया है। इस तरह से सख्ती के साथ आदेश पालन करने को भी कहा गया और जो भी त्यौहार है आप लोग मिलजुल कर मनाएँ, सौहार्द पूर्वक मनाएँ, एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखें, किसी किस्म की कोई भी अराजकता न फैले। और जिस तरह से अगर आपको लगता है कि कोई अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में प्रशासन को अवगत कराने की बात कही गई। धन्यवाद। जन जागरण चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, भारत दिन प्रयागराज से।